हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, सिस यूनिवर्सिटी ने पीजी कैंपस की पहली हमारी ओपन मेरिट लिस्ट यहां पे जारी कर दी है। आज है 9 सितंबर और आज हमारी पहली मेरिट लिस्ट यहां पे आ चुकी है। तो पहली मेरिट लिस्ट के अंदर आपको एडमिशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, 7 सितंबर को हमारा नोटिफिकेशन आ चुका था जिसमें सिस यूनिवर्सिटी पीजी कैंपस की पहली मेरिट लिस्ट हमारी 9 सितंबर को आने वाली थी। और आज हमारी 9 सितंबर है और आज हमारी पीजी कैंपस की पहली मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। इसमें आपको एडमिशन कैसे लेना है इसके लिए देखिए, आपको नोट्स के अंदर मेंशन किया गया है जो हमारी पहली ओपन मेरिट लिस्ट आएगी वो 9 सितंबर को आ जाएगी। अब इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको करना यह है, आपको स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है, यानी जहाँ से आपने फॉर्म को फिल किया था, स्टूडेंट लॉगिन के उसमें क्लिक करके आपको लॉगिन करना है अपनी डिटेल से। डिटेल से लॉगिन करने के बाद आपको ऑफर लेटर के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ से आपको अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। ऑफर लेटर देखिए आपका ब्लैंक ऑफर लेटर रहेगा जिसमें आपको एडमिशन लेना कैसे है, जिसमें देखिए आपको अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। ऑफर लेटर डाउनलोड करने के बाद 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में आपको ऑफर लेटर डाउनलोड करना है और इसी टाइम के बीच में आपको अपना ऑफर लेटर सबमिट कहाँ करना है। मान लीजिए अगर 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट की है उसमें से आप 3 प्रेफरेंस के अंदर आप सबमिट कर सकते हैं, चाहे जिसमें आपको एडमिशन लेना है जिस भी प्रोग्राम के अंदर कोर्स के अंदर, उस डिपार्टमेंट में जाके अपना ऑफर लेटर सबमिट कर देना है 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में। ऑफर लेटर सबमिट कराने के बाद आपको वहां से स्टूडेंट जो कॉपी है वो आपने रिसीव कर लेनी है, उससे ये कन्फर्म रहता है कि आपने अपना ऑफर लेटर सबमिट किया है डिपार्टमेंट के अंदर। ऑफर लेटर सबमिट होने के बाद देखिए 9 सितंबर 10 सितंबर तक ऑफर लेटर सबमिट होंगे। इसके बाद 11 सितंबर को हमारी जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उस डिपार्टमेंट के उस कोर्स की, तो आपको 11 सितंबर को सिस यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना है, कैंपस के अंदर उस डिपार्टमेंट के अंदर जाना है जिस डिपार्टमेंट में आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। अगर मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आता है उस कोर्स के लिए तो आपको करना क्या है, आपको बस डॉक्यूमेंट ले जाकर, इसमें आपको 10th 12th ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट, साथ में अपने जो भी डॉक्यूमेंट अपने एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त अपने फिल अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी आपके पास होनी, जो कि सेल्फ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, साथ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जो कि सेल्फ रजिस्टर्ड होना चाहिए, साथ में 2 फोटो आपके पास होने चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आपको 11 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में अपना सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। और जो लास्ट डेट रखी गई है हमारी एडमिशन प्रोसेस की यहाँ पे, वो 12 सितंबर ही रखी गई है। तो 12 सितंबर तक आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना एडमिशन लेना है। अब बात करते हैं कैसे आपको ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। देखिए इसके सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आना सिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जहाँ पे आपने एडमिशन फॉर्म को फिल किया था। तो ऑफर लेटर डाउनलोड करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी की, कि किस कोर्स की कितनी सीट अभी अवेलेबल है कैंपस के अंदर। इसके लिए आपको सीट अवेलेबिलिटी उसमें क्लिक करना है और ऑप्शन मिलता है आपको गेट कैंपस सीट अवेलेबिलिटी, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, आपको पीजी के अंदर आपको किस कोर्स के अंदर आपने फॉर्म फिल किया था उस कोर्स का नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मान लीजिए संस्कृत आपने एमए एमएससी एमकॉम किसका आपने फॉर्म फिल किया था वो आपको यहाँ पे कोर्स का नेम सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एमकॉम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपना ग्रुप सेलेक्ट करना है, इसके बाद राइट कैप्चा फिल कर लेना है और फिर सर्च के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने उस कोर्स का डिटेल्स हो जाएगा, इसमें आपको डिपार्टमेंट नेम मेंशन होगा, कोर्स क्या है हमारा सेल्फ फाइनेंस है या प्राइवेट है, जो भी आपको मेंशन रहेगा, साथ में कोर्स टाइप हमारा पीजी है, कितनी सीट अवेलेबल है कैंपस के अंदर। देखिए 40 सीट अवेलेबल है कैंपस के अंदर और कितनी सीट फिल्ड हुई है हमारी कैंपस के अंदर अभी तक, सिर्फ हमारी जो सीट फिल्ड हुई है यहाँ पे 11 सीट फिल्ड हुई है, यानी अभी भी हमारे पास यहाँ पे कैंपस के अंदर जो टोटल सीट में 40 सीट में से 11 सीट फिल हुई है, तो लगभग हमारी 29 सीट्स अभी हमारे यहाँ पे वैकेंट है जिसपे ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर हमारा एडमिशन हो सकता है। आप चाहें इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स के अंदर। साथ ही देखिए ईडब्ल्यूएस सीट की 4 ही 4 सीट हमारी अवेलेबल है। सेम तरीके से आप अदर कोर्सेज की यहाँ पे चेक कर लीजिए। मान लीजिए हम चेक करते हैं अपना यहाँ पे एमएससी बोटनी सर्च कर लेते हैं कैंपस के अंदर और फिर बोटनी सर्च करते हैं, इसके बाद राइट कैप्चा फिल करते हैं और फिर सर्च उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए बोटनी की जहाँ पे डिटेल्स हो जाएगी कोर्स की यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल सीट जगह 30 अवेलेबल है हमारी, 10 सीट फिल हुई है, यानी मेरिट लिस्ट 1 और मेरिट लिस्ट 2 के अंदर काफी कम सीट फिल हुई है कैंपस के अंदर, कम सीटें इस बार फिल हो रही है। नहीं तो पीजी मेरिट लिस्ट 1 मेरिट लिस्ट 2 के अंदर ही हमारी काफी सारी सीटें फिल हो जाती थी, लेकिन इस बार काफी कम सीट फिल हुई है हमारी कैंपस के अंदर। देखिए टोटल सीट 30 है, फिर भी अगर अप्लाई कितने किया, 198 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है और सिर्फ 10 स्टूडेंट ने अब तक एडमिशन लिया है यहाँ पे, बाकी सीट हमारी अवेलेबल है अभी यहाँ पे, टोटल सीट 20 सीट हमारी यहाँ पे अवेलेबल है अभी भी। ईडब्ल्यूएस सीट में 3 सीट है हमारी, 1 सीट फिल हो चुकी है, 2 सीट हमारी अभी अवेलेबल है, टोटल सीट काफी सारी अवेलेबल है अभी सिस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। तो ओपन मेरिट लिस्ट में सबसे पहले आपको चेक कर लेना है सीट अवेलेबिलिटी कितनी है, कितनी वैकेंट है, उसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पे देखिए उसमें मिलता है मेरिट कट ऑफ, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसमें मिलता है गेट कैंपस मेरिट कट ऑफ, ऑप्शन क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद देखिए कट ऑफ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सिर्फ सेकंड मेरिट लिस्ट से कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में किस परसेंटेज तक कट ऑफ गई थी, उसी हिसाब से अंदाजा लग सकते हैं कि मेरिट जो कट ऑफ आएगी हमारी ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर उसकी 10% के लगभग हमारी आ सकती है। जैसे चेक कर लेते हैं मैं यहाँ पे MSc अपनी यहाँ पे बोटनी की यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इसे अभी यहाँ पे मैं, इसके बाद अपना ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ और फिर राइट क्लिक पे फिल करता हूँ और फिर सर्च नाम उसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए हमारी जो कट ऑफ गई है MSc बोटनी की सेकंड कट ऑफ जो हमारी गई है वो अनएजुकेटेड कैटेगरी के लिए गई है 80.17, OBC के लिए गई है 76.88, SC के लिए गई है 70, ST के लिए कोई कट ऑफ नहीं है, EWS के 77 कट ऑफ है। अगर ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर आप इस कोर्स के लिए अपना ऑफर लेटर सबमिट करते हैं डिपार्टमेंट में जाके, डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी के अंदर जो मेरिट लिस्ट आएगी हमारी पहली ओपन मेरिट लिस्ट उसमें कितनी तक कट ऑफ आ सकती है, तो देखिए अनएजुकेटेड कैटेगरी के लिए यहाँ पे 80% आई है, तो लगभग 10% के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो आपको कट ऑफ लगेगी ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर वो 70% के आसपास लग सकती है। OBC की सेम 66 पे लग सकती है, SC की हमारी 60 पे लग जाएगी, लगभग हमारा 10% का यहाँ पे डिक्रीमेंट मिलेगा क्योंकि जो सीट है काफी सारी अवेलेबल है अभी कैंपस के अंदर, तो क्योंकि इसी वजह से आपको 10% का यहाँ पे गैप अप देखने को मिलेगा यहाँ पे कट ऑफ के अंदर। तो आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कीजिए, ऑफर लेटर डाउनलोड करने के सेम सबसे पहले आपको आना है लॉगिन आईडी पे, यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का उसमें क्लिक करना है, अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए आपको आपकी डिटेल्स शो कर जाएगी, इसमें कॉलेज और कैंपस के लिए आपने फॉर्म फिल किया है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे, साथ में आप यहाँ पे फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं कॉलेज और कैंपस के। तो यहाँ पे देखिए पीजी कैंपस की पहली ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑफर लेटर के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने हमारे पीजी कैंपस के लिए जो ओपन मेरिट लिस्ट बनाई है उसके लिए ऑफर लेटर शो हो जाएंगे, साथ में देखिए कॉलेज की पीजी सेकंड मेरिट लिस्ट भी हमारी आ चुकी है, उसके ऑफर लेटर भी स्टूडेंट के यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पीजी कैंपस की पहली ओपन मेरिट लिस्ट के, तो यहाँ पे देखिए पीजी कैंपस के अंदर आपने जितने भी प्रेफरेंस के अंदर कोर्स सेलेक्ट किया है, 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है, तीनों के ऑफर लेटर आपको शो करेंगे पीजी ओपन मेरिट लिस्ट 1 के अंदर। तो आपको करना क्या है, आपको तीनों के ऑफर लेटर यहाँ पे डाउनलोड करने हैं, एक का नहीं है, ऐसा नहीं है आपको जिसमें एडमिशन लेना है उसमें ही आपको यहाँ पे ऑफर लेटर डाउनलोड करना है, आपको मैं अब जो बता रहा हूँ वो करना है, आपको तीनों के यहाँ पे ऑफर लेटर डाउनलोड करने हैं, यानी प्रिंट ऑफर लेटर क्लिक करके आपको उनके ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेने हैं। जिसमें आपको करना क्या है, आपको तीनों डिपार्टमेंट के अंदर जो आपका यहाँ पे कोर्सेज है उसके डिपार्टमेंट में आपको ऑफर लेटर सबमिट करना है। ऐसा क्यों, मान लीजिए आपने अपना हिसाब से एक अपना कोर्स सेलेक्ट किया है एक प्रेफरेंस के अंदर, उसका ऑफर लेटर डाउनलोड करके उस डिपार्टमेंट में आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है ऑफर लेटर का। तो बात करते हैं अगर मान लीजिए मेरिट लिस्ट जो आएगी उसमें आपका नेम ही नहीं आया तो आपका क्या हो जाएगा, आप उस कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे पीजी ओपन मेरिट लिस्ट 1 के, तो आपको फिर सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना होगा। हो सकता है आप तीन ऑफर लेटर या फिर तीनों ऑफर लेटर आप तीनों डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे तो किसी एक में हो सकता है चांस रहेगा कि आपका नेम आ जाए, तो आप उसमें फिर एडमिशन ले सकते हैं उस प्रेफरेंस के अंदर। तो इसलिए आप मैं आपको बोल रहा हूँ तीनों ऑफर लेटर डाउनलोड करके आपको उनके जो कोर्सेज के डिपार्टमेंट में आपको सबमिट कर देना है ज़रूरी। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रिंट ऑफर लेटर उसमें क्लिक करना है, क्लिक करते हैं आपके सामने ऑफर लेटर शो हो जाएंगे। इसमें देखिए आपको दो कॉपी होती है, होती है कॉलेज कॉपी, होती है स्टूडेंट कॉपी। कॉलेज कॉपी में आपकी डिटेल मेंशन होती है, साथ में आपकी जो प्रेफरेंस की डिटेल है, साथ में आपका जो मेरिट इंडेक्स है उसको होता है, साथ ही यहाँ पे देखिए हमें डेट मेंशन होगी 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में हमें अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है और जिस कोर्स का आपने यहाँ पे अपना ऑफर लेटर डाउनलोड किया है उस डिपार्टमेंट जाके अपना ऑफर लेटर सबमिट कर देना है। इसके बाद 11 सितंबर को हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में अगर नेम आता है तो 11 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है कॉलेज कॉपी, जिसमें आपको अपना स्टूडेंट को यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है, कैंडिडेट को सिग्नेचर करने के बाद ये कॉलेज कॉपी तो आपकी सबमिट होगी कॉलेज के अंदर, साथ में इसमें होता है आपको स्टूडेंट कॉपी, इसमें सेम डिटेल आपकी मेंशन होती है, बस इसमें आपके होता है कॉन्फिडेंशियल नंबर होता है। जब आपको मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ जाएगा तो आपको स्टूडेंट कॉपी लेके जानी है कैंपस के अंदर उस डिपार्टमेंट का जिसका मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आया है और अपनी स्टूडेंट कॉपी आपको वहाँ पे सबमिट कर देनी है। तो देखिए दोस्तों जब आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे और उस ऑफर लेटर को आप डिपार्टमेंट में सबमिट करके आएंगे तो कॉलेज कॉपी तो आपकी कॉलेज द्वारा आपकी सबमिट कर ली जाएगी, स्टूडेंट कॉपी को आपको रिटर्न दिया जाएगा, इसमें आपको कॉलेज स्टैम्प और सिग्नेचर करके आपको रिटर्न दी जाएगी कि आपने जो ऑफर लेटर अपना सबमिट किया है उस डिपार्टमेंट के अंदर। अब बात देखिए दोस्तों ऑफर लेटर जो आपको सबमिट करना है वो 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में करना है। इसके बाद 11 सितंबर को हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, तो आपको मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में ही जाना होगा, ऑनलाइन इसकी मेरिट लिस्ट नहीं जा चुकी थी, डिपार्टमेंट में आपको जाना है उस डिपार्टमेंट में आपने अपना ऑफर लेटर सबमिट किया है उसी के अंदर देखिए आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर मेरिट लिस्ट के अंदर अगर नेम आता है तो आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है 11 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट जो कि अपने एडमिशन टाइम पे आपने अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट 10, 12 ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट
क्योंकि सेल्फ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, साथ में आधार कार्ड आपका सेल्फ रजिस्टर्ड होना चाहिए, फोटो कॉपी होनी चाहिए उनकी, दो फोटो होनी चाहिए, और आपके पास जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट होना चाहिए वो, साथ में ऑफर लेटर जो आपका स्टूडेंट कॉपी है वो आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको कैंपस में जाना है उस डिपार्टमेंट में जिसमें आपको प्रोग्राम के अंदर अपना अपना ऑफर लेटर सबमिट किया और मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आया है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करा देने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद आपका एडमिशन फीस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी कैंपस की फर्स्ट ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करने के बाद, डिपार्टमेंट के अंदर ऑफर लेटर सबमिट करने के बाद, मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद कैसे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है उसे जुड़ जाएंगे मैंने आपको इस वीडियो अंदर शेयर कर दिया। थैंक यू।